तो जालंधर मंडी में है हम और देख रहे हैं किस हिसाब से सब्जी का रेट। पर यहाँ पे यार हमारे वहाँ तो 5 गुना जाता है महंगा, इधर से 10 गुना। आलू 250, 50 किलो वाला देखो वो कितने का पड़ा, आप खुद हिसाब लगा लो। 5 रुपये लगभग, 5 रुपये पीछे दीवा क्या उधर पीछे 2.5-3 रुपये के जी दे रहा था, मतलब 100 कुछ का पूरा कट्टा 50 किलो वाला। बाकी फूलगोभी तो इधर पता नहीं इतना सारा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे आपको फूलगोभी दिखेगा। तो गाइस अभी घूम ही रहे हैं मंडी में और अभी जो है स्टार्ट नहीं कर पाया आज। हेलो गाइस क्या हाल चाल, ऐसा सुनो तो आप देख लो धुंध कितनी सारी है भाई। बाकी सब्जी तो यहाँ पे भाई वो कहते हैं ना कोड़े के भाव, वही बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। अभी बैठे गाड़ी में और भाई आज हमने खाने के लिए लाए हैं सब्जी में ये मशरूम। वहाँ पे हमारे वहाँ तो लगभग 100 रुपये का तो मिलता है ये, यहाँ पे कितने का होगा आप लोग कमेंट करो। अब मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे मिलता है 10 रुपये का, इसका डब्बा तो 10 रुपये का होगा, खाली डब्बा तो ये पूरा का पूरा ही 10 रुपये का है। तो 10 बज चुका है और अभी भी हम घूम ही रहे हैं, फिर से वापस आ गए घूमने के लिए। ये देखो पर धुंध से लग नहीं रहा है कि इतना बज चुका होगा, 10 बजे हो गए। तो गाड़ी जो है लगा दी, अभी 3:30 हो गए। अभी पहले आगे आलू डालना है फिर बाकी सब्जी। देखो पूरा इन्होंने डाल दिया, कश्मीरी में इसको पतिश बोलते, पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं इसको। फिलहाल लगा ही रहे हैं, इसके बाद लगेगा लोडिंग। तो भाई अभी लोडिंग चल रही है, अभी जो है फूलगोभी भरने के लिए आए थे तो गाड़ी जो है लगा दी। देखो लेबर लोड कर रही है। मैं बस आज फुल कोई भी ग्रेड वाला तो चुनो। इस साइड भी फुल गोभी, बाप रे फुल गोभी कितनी सारी है। ये और है और वो ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर, ये भी भरा हुआ है फुल गोभी से। इस साइड बहुत सारा है, लाइन पूरा मुझे चाहिए था होना थी होता पा उन्हें चिल्ला ना। अब तो कैसे चिल्ले पा क्यों चुको ना। तो अपनी गाड़ी की लोडिंग जो है कंप्लीट होने वाली है, लगभग 7:30 निकलेंगे हम। तो भाई अभी जो है लोडिंग खत्म कर दी, अब जाके निकल रहे हैं इधर से घर के लिए। बाप रे धुंध जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आप लोग देख सकते हो खुद। क्या करे बंदा भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे। क्या हालत है अभी भाई, लोग देख लो बाहर का नजारा। अभी टोल पे पहुंच चुके हैं, पर धुंध भाई धुंध जो है ना बहुत ज्यादा है। पीछे तो एक एक्सीडेंट हो गया, स्विफ्ट वाला एक टैंकर के पीछे चढ़ गया, उसको आगे से एक गाड़ी ने काट मारा, टैंकर ने ब्रेक और पीछे से स्विफ्ट आया तड़ा, उसके पीछे था मैं चलो गेप बना के चल रहा था। बाकी आप देख लो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ लखनपुर भाई, लेकिन धुंध की वजह से ना
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उधर से, तो ऐसे तैसे करके अब आराम आराम से चल के पहुंच गए लखनपुर। चलो अभी चलते हैं आराम से। ओ देखो कितना जाम लगा हुआ है। यहाँ पे तो जाम होता ही है और वो भी बहुत ज्यादा। ये धुन जो है पीछा नहीं छोड़ेंगी। अभी हम सांबा से धार रोड पे आ गए, लेकिन धुंध यहाँ पे भी है बहुत ज्यादा। क्या करे क्या करे भाई। तो धारा उधमपुर क्रॉस कर लिया, अभी चल रहे हैं। टाइम हो चुका है 2:15। देखते हैं, उसने बोला है 7 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन धुंध की वजह से लेट बहुत हो गया, बहुत ज्यादा धुंध थी आज। बादल क्रॉस कर लिया और टाइम हो चुका है 20 मिनट ऊपर 4, और अभी पहुंचे हैं बानिहाल टोल के पास। अब तो 6:30 बजे तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। ये आ गया जी टोल बानिहाल का। भाई ये देख लो, संगम पहुंचने वाले हैं और हालत देख लो भाई बाहर की। उधर से क्या कम था धुंध के भी, यहाँ भी पीछे पड़ा है भाई। पूरा रोड गायब हो गया था पीछे, अभी तो चल रहे हैं यहाँ पे। देखो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई ये देख लो, पूरी गाड़ी पे जो है ऐसी बर्फ चढ़ी हुई है, कोहरा लग चुका है पूरी गाड़ी को इस टाइम, क्योंकि भाई जो ये फॉग है ना इसकी वजह से पूरा बाहर। अभी हम उतरे थे, बाप रे सारी जगह बर्फ से भरी हुई थी। ये देखो पूरा कितना लगा है, ठंडा पूरा जमा हुआ है, जैसे कि अभी ताजा बर्फ गिरी है। पहुंच गए पारमपुरा मंडी में, और भाई बाहर की हालत देख सकते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा कोहरा ही कोहरा है। देखो जैसे कि धूल उड़ रही है, ये पूरा कोहरा है, मतलब ये धुंध। तो अभी जो है हम बस सोएंगे, गाड़ी लगा के करेंगे आराम।